जहां एक तरफ सरकार लगातार महिला सुरक्षा के दावे करती नजर आती है, तो वही दूसरी तरफ आए दिन लगातार महिलाओं के साथ दुराचार, उत्पीड़न व रेप की घटनाएं सामने नजर आती हैं। ताजा मामला रायबरेली क्षेत्र का सामने आया है, जहां दबंगों ने बंदूक की नोक के ऊपर 2018 में उसके साथ गैंगरेप किया और उसे आज तक न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार दर बदर की ठोकर खा रहा है। वारदात 2018 के है और तब से लेकर अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। आज पीड़ित परिवार रायबरेली से पैदल चलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ केवल इसलिए पहुंचा है कि या तो उन्हें न्याय मिले या इच्छे मृत्यु के लिए आदेश कर दे, क्योंकि पीड़ित परिवार अब इस चीज को सहन करने की क्षमता छोड़ चुका है। ऐसे में सवाल यह निशान उठता है कि अगर सरकार महिला सुरक्षा के दावे करती है तो आखिर इस तरीके की वारदातों को अंजाम कैसे दिया जाता है और इतने दिनों तक न्यायालय में इस तरह के मामले क्यों लंबित हैं? यह सोचने वाली बात होगी। हमारे साथ 18 अक्टूबर 2018 को बैंक रेप हुआ है, जबकि 164 का बयान हुआ है, NBW जा रही है, 82 भी हुई है, तब भी अभी उनका गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। उनके भाई लोग, उनके सीटर, वो लोग आए दिन धमकी दे रहे थे कि सुलह हो जाने, तुमका तो मेरे हस्बैंड का जान से मार दे रहे हैं। हम यहाँ आए कि हमको न्याय मिले, न्याय न मिले तो हमें इच्छा मृत्यु दे दें। हम यहाँ मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आए थे जनता दरबार में, कि हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, कि यही मिलकर यही कहना चाहते हैं कि क्या मुझे न्याय मिल सकता है या नहीं। अगर न्याय नहीं मिल सकता है तो आप मुझे इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दीजिए। हम अपना जो है कि गोमती नदी में जाके पत्नी, बच्चे और बेटे सहित कूद जाएंगे, मर जाएंगे।